इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं हर कथा में बात कहता हूँ, यही सत्कर्म है। देखिए, एक ही पंक्ति पकड़ा दी है, एक ही पंक्ति को स्वामी जी ने पकड़ाई, उसी में हम उलझे हैं, 15 मिनट हो गया। सत्कर्म कैसा करना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जिस कर्म को करने से हमारा आपका चित्त शांत है, उस कर्म का नाम ही सत्कर्म है। और जिसको करने से हमारा चित्त अशांत होता है, वह कर्म अपकर्म है, उसको नहीं करना। सत्कर्म करना है, अपकर्म नहीं करना है। उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये 500 रुपया पड़ा है कहीं, हम निकल रहे हैं और हमने इसको उठा के रख लिया। अब 2-3 मिनट तो ये रहवे करेगा कि कोई देखा तो नहीं। मुड़ मुड़ कर आदमी देखता है, कोई आ तो नहीं रहा, कदाचित कोई उसी रास्ते से आ गया। तब उसकी ओर देर तक देखेंगे, इसका तो नहीं था, ये क्यों आ रहा है। वो पूछेगा नहीं तभी निकल जाएगा, हमने कुछ नहीं लिया, इसका मतलब लिया। हम अपना मानकर किसी का भी प्राप्त करेंगे साहब, तो हम अपकर्म करेंगे और इसका फल प्रकृति ऐसा विचित्र देती है, पता नहीं चलता यहां पुण्य फल है। हो राम जी परम पुण्य हैं, परमार्थ तत्व हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। निश्चित रूप से आप जितने श्रोता विराजे हैं, आपके हमारे जीवन में जितना सत्कर्म बढ़ेगा उतना सुख आएगा, जितना बढ़ेगा। सत्कर्मों का फल सुख है, और जितना भूल बस भी अपकर्म बढ़ेगा उसका फल दुख है। सामान नहीं चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए, नहीं नहीं, जीवन चाहिए। जीवन उलझन नहीं, सुलझन, बनावट नहीं, सहजता, एकदम सहजता। गुरुदेव ने कहा, महाराज जैसे आप हैं वैसे बड़ी रानी कौशल्या जी हैं, आपके समान गौ विप्र संत साधु सेवी कौन है। देखिए, गौ, ब्राह्मण, संत और देवता, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ, नमो ब्राह्मण्य देव, क्या है यही है, गलत है ना, गौ ब्राह्मण हित नमो ब्रह्मा, यही तो है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण ना, पहले वाला सही है ना, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय, भगवान ब्राह्मणों में आदर भाव रखते हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या है इसमें हम नहीं जाएंगे, परिभाषा कर देंगे कले बवाल कर देंगे लोग। हाँ, ब्राह्मण जो ब्राह्मण को श्रद्धा से देखे, गौ माता में प्रीति रखे, मारे नहीं, संतों का आदर करे, ये सब पुण्य के साधन हैं। जगत हिताय कृष्णाय, जगत के कल्याण में जो लगा है, भगवान के निमित्त जो रम रहा है, ऐसे सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। इनका जो आदर करे वो सत्कर्म कर रहा है। बस प्रशंसा किए गुरु जी, तो कहे महाराज जब बारात ले चलने का साज सजाइए, साज सजने लगा, सारे शकुन अयोध्या जी में आकर उपस्थित हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी
अग्निहोत्री हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, दैनंदिनी यज्ञ, अपनी सामग्री के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। बारात चलने लगी तो चक्रवर्ती जी महाराज ने पूछा, महाराज दूल्हा तो वही है तो अश्व पर चढ़ेगा कौन? तो गुरु जी बोले, भरत जी को बिठा दीजिए। कहे लेकिन लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? उन दिनों असत्य बोलना पाप माना जाता था, असत्य कोई नहीं बोलता। बोले कह देंगे यही दूल्हा है। अरे महाराज ऐसे कैसे कहेंगे, गुरु जी तो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं गुरु वशिष्ठ जी, कि इन चारों जने का विवाह एक स्थान पर होना है। परंतु विनोद किए, इन्हीं को बिठाए, चले हो, हा हा हा, प्रेमामृत का दर्शन करिए। बारात चली, मिथिला के संतों ने लिखा। भाई जी आज हमने इसका अभ्यास किया, उतार से एकदम झमाझम लीजिए। अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सो सुहावन लागे। Yeah।
पहिरेली लहंगा पटो पहिरेली लहंगा पटो मनोरथ भैले मो सुहावन लागे सुफल मनोरथ भैले मो सुहावन लागे अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलनी बरियतिया है जनक नगरिया भैले सो ए सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो ए सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो ए सुहावन इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।